हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक है, आज का व्लॉग है ब्लैक हेड रॉयल रेड ब्लैक हेड स्नैक पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉन वेनमस है, ये वेनमस है, हम इसको एज अ पेट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसको अगर हम एज अ पेट रख सकते हैं तो इसके रखने का क्या तरीकाकार है, इसको हम किस चीज़ में रख सकते हैं, और इसकी फीड क्या है, और ये किस इलाके में पाया जाता है, और इस सारी नॉलेज मैं आपको ब्लैक एंड रॉयल रेड स्नैक की दूंगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला आपको ऑल एक्सोटिक पेट्स के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें अब हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये हमारा आज का पेट है ब्लैक हेड रॉयल रेड स्नैक। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका हेड ब्लैक होता है, आपको वीडियो में रेड नज़र आता होगा, जब आप इसको रियल में देखेंगे तब आपको सही पता चल जाएगा इसका ब्लैकिश टाइप हेड होता है। जो मेरे पास इस टाइम स्नैक है, इसका कलर येलो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें ब्लैक डॉट है, नॉर्मल नॉर्मल। इनमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, ब्लैक ब्लैक येलो, येलो येलो के अंदर ब्लैक डॉट, बहुत ज़्यादा कलर होते हैं इनके। हेड हेड वगैरह जो होता है वो एक कलर का होता है, ब्लैक हेड होता है इनका। इसके मुतल्लिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। ये नॉन वेनमस ब्रीड है, इसके अंदर वेनमस नहीं होता। ये पाया किस जगह पे जाता है, कुछ लोग ये पूछते हैं ये, और ये हमारे करीब जो हमारे देहात वगैरह, हमारी फसलें वगैरह, ये ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। हमारे जो किसान लोग होते हैं वो इसको मार देते हैं, वो कहते हैं इसका हेड ब्लैक है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉन वेनमस है। अगर ये आपको बाइट कर भी लेता है तो उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। पर जो जंगली स्नेक होता है, मतलब कि जंगल से आप एकदम पकड़ते हैं, उसने जंगली जानवर वगैरह खाए होते हैं, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, तो आपको मामूली सा टम्परेचर वगैरह हो सकता है। ये बस होता है, इसके अंदर कुछ वेनमस वगैरह नहीं है। पर जो लोग इनको नहीं जानते वो इनको ना पकड़ें। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जो आप इन सांपों को देख के मार देते हैं उनको ना मारें, ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जो लोग पूछते हैं आप इनको फीड क्या करवाते हैं, और जो इनको फीड हम करवाते हैं वो वाइट रेड चिकन, इनको ये फीड होती है, और इनको हम फीड वीक में एक टाइम करवाते हैं। वीक में एक दफ़ा इनको फीड करवाते हैं, इनको बाकायदा, जैसे हर पेट की, हर इंसान की ज़रूरत है पानी, वैसे ही इनकी ज़रूरत भी है पानी। इनको पानी पिलाया जाता है, सन बाथ दिया जाता है, इनके इनका बाकायदा एक टेम्परेचर रखा जाता है इनको। मैं आपको इसको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। इस टाइम तो मैंने अभी निकाला ही है, तो वो एक जगह ही बैठा हुआ है, ये आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। जो लोग इनके मुतल्लिक नहीं जानते वो इसको बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये बाइट वगैरह कर लेते हैं, पर ये हैं नॉन वेनमस में, इनकी बाइट से नुकसान कुछ नहीं होता, पर लोग इनके काटने से डर से ही मर जाते हैं। मतलब कि ये अगर किसी को काट लेता है ना, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। वो बस सांप का डर ही लोगों में बहुत है कि सांप ने काट लिया तो हर सांप ही जहर वाला। पर पाकिस्तान में सिर्फ 4 ब्रीड वेनमस हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में उनके साथ भी मिलवाऊँगा, जो वेनमस स्नैक है आपको उनके बारे में भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में वेनमस स्नैक कौन कौन से हैं। अब ये बिल्कुल एक्टिव हो गया, पहले एक जगह बैठा हुआ था, ये देख लें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऑल एक्सोटिक पेट्स से मिलवाऊँगा और इनके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।